हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। आप देख रहे हैं घुमक्कड़। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ लखनऊ में, आशियाना एरिए में दुर्गा पूजा लगी हुई है, उसी के कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ के दुर्गा पूजा कैसी होती है ये आपको दिखलाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो से बहुत ही प्रसन्न होंगे उसको देख करके। और मैं जूम कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरे बच्चे खड़े हुए हैं। पार्किंग दूर थी तो मैं इन्हें गेट पे उतार करके पार्किंग करने गया था गाड़ी की। ये मैं आ गया हूँ यहाँ पे। इन लोगों ने कुछ नए फ्रेंड्स हैं, इनसे फ्रेंडशिप कर ली है। ये देखिए शेक हैंड्स और बाय हो रहा है। ये दोनों ही मेरी ट्विंस डॉटर्स हैं। ये हैं रुद्राक्षी, ये हैं रुद्रिमा। मुझे देख के देखिए कितनी खुश हो गई। ये 1.5 साल की हैं अभी ये दोनों। अब हम इनके साथ पंडाल में एंट्री करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये गेट बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के आशियाना एरिए में ये दुर्गा पूजा लगी हुई है। आशियाना कमेटी की तरफ से इसका आयोजन करा गया है। ये देखिए, अंदर जाने के लिए पहले रास्ते में एक घंटा टंगा हुआ है जैसे कि मंदिर में होता है। ये मैंने इसे बजाया, अभी मेरा मन नहीं भरा, मैंने इसको एक दो बार और बजाया और अब मैं आगे बढ़ा। लेकिन पीछे मेरी बिटिया जो है वो अब कहने लगी कि मैं भी घंटा बजाऊंगी। तो अब कोई उसको उठा करके कोशिश कर रहा है कि वो घंटा बजवाए। ये देखिए, लेकिन अब घंटा तो दूर है, उसकी पकड़ में आ नहीं रहा। अभी ना बजाए वो मानेगी नहीं। पूरी कोशिश कर रही है देखिए फ्रेंड्स घंटा बजाने की। आखिरकार रस्सी उसकी पकड़ में आई गई और उसने बजा लिया और उसको बहुत खुशी हुई। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत सारी भीड़ है इस समय यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आपको, ये राम दरबार की फ़ोटो है। श्री रामचंद्र जी और सीता मैया के चरणों में हनुमान जी चरण वंदना करते हुए। साक्षात ज्ञान का सागर स्वामी विवेकानंद जी। ये देखिए सभी भक्तगण, आरती चल रही है इस समय। पंडित जी आरती कर रहे हैं माता जी की। मैं थोड़ा और पास जाके आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी मूर्तियाँ यहाँ पे सजाई गई हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा, मनमोह लेने वाला। ये पंडित जी आरती कर चुके हैं अब, और ये आशियाना कमेटी के जो मेंबर्स हैं अब ये आरती का थाल सभी भक्तों की तरफ लेकर आते हुए और सभी लोग आरती लेते हुए सब लोग अपनी अपनी बारी से आरती ले रहे हैं। पंडित जी पूजा करते हुए ये घंटी बजा रहे हैं और समाप्ति कर रहे हैं आज की। भोग ओग लगवा के मैं आपको मूर्तियां और ज़्यादा क्लोज करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी पंडित जब जी जब आरती कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा है। ये देखिए प्रसाद का काउंटर बना हुआ है। ये भाई साहब पन्नियों से निकाल निकाल के प्रसाद ऐसे दे रहे हैं जिससे कि पन्नियाँ बैन हो गई हैं, तो लोग खा के इधर उधर मत फेंकें। तो उसका सीधा रास्ता यही है कि हम उन्हें पन्नी ही नहीं देंगे, वो फेंकेंगे कैसे।
ये देखिए दुर्गा पूजा हो और अगर ये ढोल ना बजे, ये नगाड़े ना बजें, तो दुर्गा पूजा का मज़ा ही क्या। ये अहम होता है दुर्गा पूजा में, बहुत ज़्यादा महत्व है इनका। इनके पास जाके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए जोत जल रही है, मैं और क्लोज करके आपको अभी जोत दिखाऊंगा। ये देखिए ये जोत जलती रहती है जब से दुर्गा पूजा शुरू होती है और समापन पे ही इसको बुझाया जाता है। ये प्रसाद के लिए यहाँ पे पत्तल रखे हुए हैं, कोई प्लास्टिक कोई थर्माकोल का इस्तेमाल नहीं। ये टीका, मैं भी अभी टीका लगाऊंगा, ये मैंने लिया और लगा लिया। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं खुद टीका लगा चुका हूँ। मुझे फ्रेंड्स टीका बहुत अच्छा लगता है मत्थे पे लगाना। और ये देखिए भाई साहब इस तरीके से इसको बजा रहे हैं और कितना ज़्यादा मतलब खुशी महसूस कर रहे हैं ये इसको बजाने में। ये पूजा होती ही ऐसी है कि सब लोग इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, बहुत अच्छे से इसमें खो जाते हैं पूजा में और लीन हो करके माता को अच्छे से उनका आगमन करते हैं और 9 दिन बाद फिर उनका विसर्जन। ये मैंने आपको हाय बोल रहा है, अभी तक मैं आया नहीं था वीडियो में तो मैंने कहा था मुझे भी आना चाहिए। अब हम लोग पंडाल से बाहर आ गए हैं, कुछ शॉप्स यहाँ पे लगी हुई हैं। ये तो मैं ना दिखाऊँ तो बेहतर है, नहीं तो बच्चे अभी कहेंगे मुझे बलून्स चाहिए। कपड़े की शॉप्स हैं और बाकी और शॉप्स हैं, ये कमेटी की तरफ से ये शॉप्स लगवाई जाती हैं। और उधर कुछ खाने पीने के बहुत अच्छे स्टॉल हैं, मैं चलता हूँ आपको वहाँ लेकर के। काफ़ी दूर है, कैमरे में आपको इतना दूर नहीं लग रहा होगा लेकिन मैं वहाँ चल के जा रहा हूँ तो इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो कितना दूर है। ये ग्रीन हट फूड पॉइंट करके है, यहाँ पे क्या ये दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कैमरे को लेफ़्ट साइड करूँगा। ये टिक्की है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, पाव भाजी है, तो इसमें तो मेरी ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। हाँ भाई ये अच्छी चीज़ है, राजस्थानी, ये काका की फ़ोटो, बेहतरीन राजस्थानी व्यंजन। और ये देखिए आप मेन्यू कार्ड, ओ माय गॉड, ये तो मैंने बहुत अच्छे से शूट करा था। देखिए लोग कहते हैं मिलावट है लेकिन ये ज्ञान का शुद्ध देसी घी जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। और ये भाई साहब लगभग 8-10 चम्मच इसके अंदर डाल चुके हैं। देखिए क्या प्योरिटी है, जितना ही मैं तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। प्योरिटी और क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ। ये मोम की पकौड़ियाँ जो बिल्कुल ताज़ी ताज़ी सर्व होने के लिए तैयार हैं, ये डीप फ्राई करी हुई रखी हैं, कोई भी कस्टमर आएगा तो इस कढ़ाई में तल के उनको दे दी जाएगी। ये कचौड़ी हैं, ये मिर्चे की पकौड़ी, ये मीठी कचौड़ी, ये देशी घी का हलवा। मैं व्रत हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये भाई साहब ये हमें देख के पहचान गए, इन्होंने हेलो बोला। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं तो देखा इन्होंने तो मुझे पहचान गए। काफ़ी ज़्यादा मतलब इनके पास आइटम है, आलू की टिक्की, मसाला डोसा, पनीर डोसा, ये देखिए डोसा बना हुआ भी रखा है। दोस्तों अगर आपको दिखाना ना होता तो मैं इस तरफ आता भी नहीं, क्योंकि मैं भी 9 दिन का व्रत रहता हूँ और ये सब देख के, देखिए छोला भटूरा, ये सब देख के मुझे भी अंदर से बहुत वो फील हो रहा है क्योंकि व्रत के समय मैं दिमाग में बिल्कुल नहीं लाता हूँ। ये तंदूरी चाय, ये चचा बैठे हुए हैं, मालिक हैं ये दुकान के। ये तंदूरी चाय देखिए कुल्लड़, और मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ इनका तंदूर। ये देखिए कितना रेड है और ये जल रहा है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है। ये भाई साहब हैं, ये हमें तंदूरी चाय बना करके देंगे। हमें इन द सेंस जो भी आप में से वहाँ पहुँचेगा उसको ये बना करके एक बेहतरीन सी चाय पिलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ आइए दुर्गा पूजा का और इन सारे बेहतरीन व्यंजनों का लुफ्त उठाइए।
ये अब हम लोग एक अलग एक पंडाल इन्होंने बनाया है वहाँ पे आ गए हैं। यहाँ बच्चों का डांस हो रहा है, राइम एंड रिदम। आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, आशियाना में ये एक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल का इसको ये लोग बोलते हैं। ये देखिए किड्स हैं बच्चे और डांस कर रहे हैं, ये लोग प्रिपरेशन कराते हैं। और हर साल दुर्गा पूजा में ये जाड़े वाली जो दुर्गा पूजा होती है दशहरे वाली, इसमें ये ऑर्गेनाइज इस तरीके कराते हैं डांस बच्चों का। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, राइम एंड रिदम लिखा है। ये श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आशियाना लखनऊ, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए बैनर पे लिखा हुआ है। ये हमारे साथ साथ आपका भी स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी हमारे थ्रू इनको देख रहे हैं। ये देखिए बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं नर्सरी और केजी के, और ये अलग अलग गानों पे डांस करते हुए। दोस्तों मैं बहुत ही भीड़ में हूँ इसीलिए शुरू से मेरी वीडियो थोड़ी हिल रही होगी। ये मेरे किड्स आ गए हैं, देखिए इनकी शैतानी देखिए। अभी अभी ये मुझे बहुत दूर तक भगाते हुए लेके जा रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने एक डॉगी देख लिया है, और ये लोग डॉगी के, ये देखिए ये लोग डॉगी के बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब जब तक ये लोग डॉगी को मार नहीं लेंगे दोनों लोग, ये देखिए चल दिए। ये देखिए ये लोग मुझसे कह रहे हैं पापा डॉगी को मारो। ये बड़ी बिटिया है रुद्राक्षी, देखिए देखिए। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि फैमिली कहाँ है, पापा कहाँ हैं, फ्रेंड्स ऐसे ही बच्चे भीड़ में खोते हैं। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, मैं इनको वॉच कर रहा हूँ। ऐसे ही बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे ऐसे ही इधर उधर हो जाते हैं और वो परेशान होते हैं। तो प्लीज़ इसके साथ साथ मैं आपको एक मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि इस तरह की किसी भी जगह पे जाएं तो अपने किड्स का ध्यान रखें। ये देखिए मेरी छोटी वाली बिटिया को, ये थोड़ा ज़्यादा ही शैतान है, ये भागती ही चली जा रही है उस डॉगी के पीछे। और इसको मैंने उठाने के लिए नहीं कहा, ये खुद उठ के खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पे रास्ता फिर ख़राब है। अब मैं इससे कह रहा हूँ बेटा संभल के आइएगा। अब देखिए कितने सारा आराम से ये पैर रखेगी यहाँ पे धीरे से, और फिर क्रॉस करेगी इसको। ये देखिए अब ये फेल चल पड़ी। अब जहाँ तक डॉगी जाएगा ये मुझे एक कोने से दूसरे कोने में ले आइए। अब डॉगी हट गया, इसके दिमाग में ये बलून आ गए। अब बलून वाले भैया तो यहाँ है नहीं, अब इसको मैं इसको ये बलून दिलाऊंगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये भी आ गई। खुशी देखी इनकी बलून देख करके, अभी सोच रही किसी तरह मुझे बलून मिल जाए। और दिलाऊंगा मैं क्यों नहीं, क्योंकि ये लोग दांत से उसको नोचती हैं। अभी इनके दांत निकले नहीं हैं तो कोई भी चीज़ लाओ ये लोग दांत से नोचना चालू कर देती हैं। ये देखिए क्लैपिंग कर रही हैं कि अब तो पापा दिला ही देंगे। अब मैंने छोटी वाली बिटिया को मना कर दिया, अब ये देखिए बैलून पकड़ के लटकी जा रही हैं पूरा। ये देखिए इशारा कर रही हैं कि हमको बैलून दिला दो, 1 2 3। और ये देखिए इन्होंने बैलून खुद ही निकाल लिया वहाँ से। भाई हमने बैलून वाले भैया को बैलून वापस करा और उनसे सॉरी बोला। ये देखिए बच्चों का डांस, एक बार फिर हम आपको पंडाल में लेकर के आ गए हैं डांस के, क्योंकि बच्चों का डांस देखना मेरा भी शौक है। और मेरे साथ इस समय मेरी छोटी बिटिया रुद्रिमा भी है, वो भी डांस की बहुत ज़्यादा शौकीन है। रुद्राक्षी पीछे बैठी हुई है अपनी मम्मी के साथ। और ये देखिए अब क्लियर क्लियर आ रहा होगा, राइम एंड रिदम इंटरनेशनल स्कूल। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको इन्हीं के टीचर्स ने ट्रेंड करा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा,